विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर, फी गज सिर्फ 5। क्या शहर हैदराबाद में लेक सेल पर है? गैर कानूनी तरीके से तालाबों झीलों पर लैंड ग्रैबर्स का कब्जा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आमोनी चेरुवु मुसापेट कोकटपल्ली में तजावेजात करने वाले झील को भर रहे हैं, प्लॉट बना रहे हैं, कमरे बना रहे हैं और इन्हें फरोख्त कर रहे हैं। जब तजावेजात का मसला वजीर KTR के इल्म में आया तो इन्होंने फौरी तौर पर जोनल कमिश्नर कोकटपल्ली को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर कार्रवाई करे, कसूरवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और तमाम तजावेजात को हटाने को यकीनी बनाए। GHMC के अहदेदारों ने बताया कि कम अज कम एक बार लेक की अराजी पर कब्जा किया गया था और तजावेजात को रोकने के लिए शिकायत दर्ज की गई थी। GHMC झीलों के डिवीजन के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ए लक्ष्मी नारायणा ने कहा कि इन्होंने 7 नवंबर को कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, FIR दर्ज की गई और पुलिस ने मलबा डालने के इल्जाम में एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार भी किया। इन्होंने कहा, इन्होंने मजीद कहा कि रातों रात इन्होंने तजावेजात करने वालों ने छोटे छोटे कमरे बनाए, हम इन्हें हटा रहे हैं और झील पर बाड़ लगा रहे हैं। कल रात एक मजहबी ढांचा सामने आया, बाढ़ खोई हुई झील को दोबारा हासिल करने के बजाय मजीद झील में ढकेल गई। तजावेजात करने वाले मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। रघुवेंद्र नगर के कुछ तजावेजात करने वालों का दावा है कि 1992 में इस वक्त के कलेक्टर ने इन्हें झील के करीब जमीन के पट्टे जारी किए थे। झील की कम अज कम 1 एकड़ अराजी पर कब्जा कर लिया गया है। एक मुकामी रिहायशी कृष्णा किरण मंडपाका ने कहा कि तजावेजात और रियलिटी माफिया ने झील को एक गैर कानूनी रियल इस्टेट वेंचर में तब्दील कर दिया है। पेश है A18 तेलंगाना न्यूज से ये खसूसी रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने के लिए चैनल को YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।